और मुसलमानों को तो समाजवादी ने ठगा ही है। इसके वोट है कितने परसेंट? 8% यादव है पूरी यूपी में। सारा कुछ मुसलमानों का ही था, मलाई तो खुद उतार लिए, पूरा परिवार जो है उनका राजनेता बन गया, मुसलमानों को मट्ठा पिला दिए। सबसे बड़ा नुकसान जो दिया मुस्लिम को तो समाजवादी पार्टी ने ही दिया। अच्छा आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे चंद्रशेखर युवा नेता है, पहली बार आया, उन्हें भी मौका देना चाहिए। और संघर्ष कर रहा है संविधान को बचाने के लिए, हर किसी की लड़ाई लड़ते हो, यही विचार है उसी को देंगे। अच्छा आपके यहाँ तमाम सांसद रहे सभी पार्टियों के सांसद पे क्यों नहीं भरोसा? बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये सब कोई अजमा लिया। इससे पहले BSP के थे गिरीश चंद जी, हाँ। उन्होंने कोई काम नहीं करा, किसी से मिले नहीं, कोई विकास नहीं किया। उससे पहले एक बार BJP के थे, उससे पहले सपा के थे यशवीर धोबी, कोई काम वम करते नहीं, आके वोट मांग के चले जा, मिट्टी मिट्टी बातें करके और क्या। और मुसलमानों को तो समाजवादी ने ठगा ही है। इसके वोट है कितने परसेंट? 8% यादव है पूरी यूपी में। सारा कुछ मुसलमानों का ही था, मलाई तो खुद उतार लिए, पूरा परिवार जो है उनका राजनेता बन गया, मुसलमानों को मट्ठा पिला दिए। सबसे बड़ा नुकसान जो दिया मुस्लिम को तो वो समाजवादी पार्टी ने ही दिया। मतलब मुस्लिमों को सबसे ज्यादा ठगने वाली पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है। लेकिन सबसे हितैषी पार्टी भी तो वही है ना? नहीं नहीं नहीं, वो डराती है सिर्फ के BJP से डरा के वोट ले लेते थे मुसलमानों के, और दंगा जो होता था उसी की पार्टी में होता था। पार्टी वैसे सबसे बढ़िया BSP थी। BSP के राज में कभी कोई दंगा नहीं होता था। और आम जनता जो है 20% तो लोग हिंदुस्तान के ऐसे, उनके हिसाब कुछ हो कोई हो मरो जाओ, कितना ही नुकसान हो तो अमीर लोग है। लेकिन 80% जनता जो है वो बहुत संघर्ष करके अपना जीवन गुजारती है, और उसमें जो है सबसे बढ़िया पार्टी BSP थी। क्योंकि लोग अपनी कमाई खा लेंगे आराम से, अगर दंगा ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, अधिकारी ना जताए। अब समाजवादी में तो पुलिस भी गुंडागर्दी करती थी, पुलिस जो मतलब जब सबसे अच्छी पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, तो फिर आप लोग कैसे बदल? नहीं, मैंने तो BSP को ही हमेशा वोट दिया है। इस बार जो है हमें लग रहा BSP का कैंडिडेट यहाँ जीतेगा नहीं, क्योंकि गिरीश चंद जी थे, उन्होंने कोई खास विकास किया नहीं। तो इस बार मेरा इरादा बदला है, मैं चंद्रशेखर जी को वोट दूँ। अच्छा, किसी के दबाव में तो आप लोग नहीं आ रहे हैं? किसी के दबाव में नहीं, हाँ। किसी के दबाव में नहीं। अच्छा, मुसलमान इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, चंद्रशेखर पे ही भरोसा कर रहे हैं, तो ये क्या खास वजह निकल कर आती है? भाई यही वजह है कि हमारी सीट पर ओवैसी जी ने नहीं उतारा, नहीं हम उनको देते। अच्छा, अब ये अखिलेश जी है मुसलमानों के हमदर्द बनते, ओवैसी जी ने 80 में से 5 सीट मांगी थी इनसे, कोई ज्यादा तो मांगी नहीं थी। इसलिए आप लोग मुसलमान नाराज हैं जी?